अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम ड्राई फ्रूट कस्टर्ड ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रमज़ान का महीना है, सबको पसंद है मीठा खाना, ठंडी चीज़ें खाना और इफ्तार में तो ये बड़े मज़े की हो जाती है। ये बहुत अच्छी डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अब इसके लिए ज़्यादा लगेंगे वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बता रहे हैं कि आप दूध ले लीजिएगा। 1/2 लीटर दूध है, फुल फैट मिल्क है ये, और इसको हमने एक बार जोश देकर रखा है। जब भी आप कोई मीठी डिश बनाना चाहे, दूध की बनाना चाहे, तो एक बार उसे जोश दे दें और ठंडा कर लें। उसके बाद में जब आप डिश बनाने लगो दोबारा गर्म करना है, उससे जो भी डिश मीठी बनेगी वो टेस्टी बनेगी। अब उसके बाद हमने लिया है शक्कर, 100 ग्राम शक्कर है, और ये 3 चम्मच हमने जो है कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये टेबल स्पून है। ये 3 चम्मच भर के हमने लिया है। वैनिला कस्टर्ड पाउडर है, ये मिल जाता है मार्केट में आसानी से, आप इसे ले आएँ और इसका यूज़ करें। ये 100 ml दूध है, ये ठंडा दूध है, इसको हम जो है इसमें मिक्स करेंगे और इसका एक अच्छा सा घोल बना के फिर उसमें शामिल करेंगे। उसको जोश देना है फिर से दूध को। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स में आप जो है आपके घर में जो भी मौजूद हो आप ले सकते हैं। अजवा खजूर है, ये 2-4 पीस है, जिसको हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 2-3 अंजीर थे, इसे भी काट लिया है। ये जो है बादाम है, इसको भी टुकड़ों में काट लिया है। ये जो है अखरोट के पीसेस है, थोड़ी सी चारोली हमने ली है, थोड़े पिस्ते लिए हैं, सबको टुकड़ों में काट के ले लिया है। ये काजू के पीसेस है और सेम जो है हमने यहाँ पर रखा है थोड़ा सा निकाल के, ताकि गार्निशिंग में हमें आसानी हो। ये टूटी फ्रूटी का पैकेट है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। अगर ये आपको डालना है तो आप, अगर घर में है तो आप डाल सकते हैं सजावट के लिए, वरना कोई बात नहीं। और ये सारे फ्रूट्स ये ड्राई फ्रूट्स लेना ज़रूरी नहीं है, आपके घर में जो मौजूद है आप वही लेकर बनाएं। वैसे खजूर तो सब घर में होता है। खजूर के साथ में आप चीकू डाल सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें चीकू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। चीकू, अखरोट और खजूर, ये 3 चीज़ों का भी कस्टर्ड बहुत अच्छा बनता है। और शक्कर जो है 100 ग्राम है। अगर आपको शक्कर की जगह कंडेंस मिल्क डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन अभी नहीं डालना है। जब आप उसको सर्व करोगे तब आप कंडेंस मिल्क डाल के दे सकते हो, आप इसमें आइसक्रीम डाल के दे सकते हो। तब आप शक्कर जो है थोड़ी कम रखें, वरना 100 ग्राम हमने रखी, आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। अगर मीठा खाने वाले हैं, ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप शक्कर बढ़ा भी सकते हो। तो ये चीज़ें हमको यूज़ करना है। दूध को हम एक बार फिर से जोश देंगे। जोश देने के वक्त में हम इसमें शक्कर मिलाएंगे और फिर आपको ये कस्टर्ड मिला के दिखाते हैं कि कैसे पकाना है। नाज़रीन, ये दूध गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये शक्कर डाल रहे हैं। थोड़ा बर्तन हमने बड़ा ले लिया है। अभी जब तक शक्कर घुलती है, ये शक्कर यहाँ पर मेल्ट हो रही है दूध में, तब तक हम इसका घोल बना लेते हैं कस्टर्ड पाउडर का। थोड़ा दूध डाल के हमको इसका घोल बनाना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। बहुत स्मूथ सा घोल बनाना है, एक भी गुठली नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहो तो छलनी से छान के भी डाल सकते हो, ऐसे गुठलियाँ तो नहीं है। अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये बहुत स्मूथ सा हमने घोल तैयार कर लिया है। ये सारा दूध डाल देते हैं इसमें। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम ये दूध में शामिल करेंगे। इस स्टेज पे अगर आप चाहो तो दूध में जो है ज़ाफ़रान वगैरह डाल सकते हो, अगर डालना है तो। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ये सारा हमने डाल दिया। बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। बस 2 मिनट इसे पकाना है और उसके बाद में हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे आने के लिए रख देंगे। नाज़रीन ये कस्टर्ड जो है रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है और बहुत अच्छे से स्मूथ बन गया है। अब क्या करेंगे हम इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी ठंडा कर सकते हो और बाद में भी आपको मिला सकते हो, जब आपको सर्व करना है तब भी मिला सकते हो, लेकिन अभी हमको सर्व करना ही है थोड़ी देर में तो हम अभी मिला देते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मिला दिया है, इसको बिल्कुल चिल्ड कर दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। और जब भी आपको देना है तो आप ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश करके दीजिए। तो अभी हमने ये गार्निश करना है इसे और निकालना है प्याले में, आपको गार्निश करके निकाल के दिखाते हैं। नाज़रीन हमने ये एक डिश में निकाल लिया है बाउल में कस्टर्ड को, अब इसको हम गार्निश कर रहे हैं। ये थोड़े टूटी फ्रूटी हमारे पास रखी थी, हम डाल दिए इसमें। थोड़े खजूर के पीसेस है, थोड़ा पिस्ता है, थोड़े अखरोट के पीसेस हैं, बादाम है, अंजीर के पीसेस हैं, थोड़े से काजू है। ये हम ऐसे साबुती डाल रहे हैं। इसमें आप गोंद जो होती है गोंद को तल के भी मिला सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है घर में तो आप उसको भी फ्राई करके या उसको ड्राई रोस्ट करके डाल सकते हैं। ये चारोली है, सारे ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए इसमें। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और डाल देते हैं। तो लीजिए नाजरीन, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा, हेल्दी और सबको पसंद आए ऐसा कस्टर्ड तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएँ। इसको ठंडा सर्व करें या ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पर सर्व करें। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।